नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा भवन एवं अन्य सन्नी निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की 18वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में राज्य में 8,56,980 भवन एवं अन्य सन्नी निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, जिन्हें 24 विभिन्न योजनाओं के तहत 1,250 रुपये से लेकर के 5,00,000 रुपये तक के लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोशल ऑडिट कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों का पंजीकरण निष्पक्ष और पारदर्शिता तरीके से हो और केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर गठित की जाने वाली सोशल ऑडिट कमेटियों में के सदस्यों में उच्च शिक्षित व्यक्ति, सेवानिवृत्त इंजीनियर तथा ब्लॉक समितियों के सदस्य और संबंधित उपायुक्त द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक सदस्य शामिल होगा। बैठक में जिन भवन श्रमिकों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदनों का पूर्ण होने तथा पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने न करने और अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के कारण आपत्ति लगा दी गई थी, उन्हें भी आवेदन पूर्ण करने के लिए 3 महीने का समय देने का निर्णय लिया गया है ताकि वे पंजीकरण के लिए पात्र बन सकें। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट।